अनुपमा में वनराज को मिलने वाली है एक के बाद एक हार। तो वही घर में आने वाला है एक नया तूफान। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि अनुज और वनराज के बीच में काफी बहस हो जाती है इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। जब वो कहता है कि तुम्हें पता था तो इसलिए तुमने जानबूझकर शिवरात्रि के दिन ही इसका रिजल्ट निकलवाया, जबकि रिजल्ट तो कल आने वाला था। बहस इतनी बढ़ जाती है कि बाप भी बीच में बोल पड़ती है और कहती है तुम दोनों ने ही मेरे बेटे की खुशियां छीनी है। जिसके बाद यहाँ पर अनुज भी कहता है कि मैं अगर सराफत छोड़ देता ना तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती। जिसके बाद इन दोनों के बीच में बहस काफी होती है, लेकिन यहाँ पर फाइनली अब अनुज और अनुपमा भगवान का हाथ जोड़ते हैं और अनुज ही अनुपमा को रोकते नजर आता है और वहां से सबको यहाँ पर नमस्कार करके चल लेता है। तो वहीं देखने को मिलता है कि अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और यहाँ पर देखने को मिलता है कि अब भड़कता है तोशु और कह देता है कि मेरा बेटा तो मैं तो अपने पापा के लिए प्रमोशन लेकर आया था, लेकिन मेरा भी बच्चा मेरे लिए अब ये सब कुछ लेकर आया है, बर्बादी लेकर आया है। तो उन्हें इतने भी पैसे नहीं कि मैं इसका खर्चा भी उठा सकूं। और वो जैसे ही ऐसे कहता है कि वह मनमोहस बच्चा है, वनराज को जोरदार थप्पड़ मार देता है। और तो यहाँ पर तोशु इतना ही चुप नहीं होता और वो काफी कुछ कहा ही जाता है कि तो आपके अनुज ने मेरी सारी खुशियां सब कुछ बर्बाद कर लिया है, एक माँ ने ऐसा किया वैसे किया। और उसको बहुत ही एहसान फरामोशी के साथ अनुपमा को दोष देते नजर आता है और समर भी कहता है कि एक उम्मीद है, ये हमारे लिए आपके बोझ नहीं है ये बच्चा। और वो खुद इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए कह देता है कि वो चाहे रात दिन काम करेगा लेकिन इस बच्चे की जिम्मेदारी जरूर उठाएगा और इस चाचा के होते उसको कुछ नहीं हो सकता। तो सब लोग डांटते हैं और वहां से चल लेता है और किंचल भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं अनुपमा भी यहाँ पर संभालते नजर आती है और बा उसका साथ नहीं देती और कहती है कि मेरे बेटे और मेरे पोते का मूड तो तुमने खराब किया ना, तुम्हारे और तुम्हारे अनुज ने ये सब कुछ किया है, उन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। इसके बाद अनुपमा कहते हैं मेरे अनुज ने क्या किया है, मेरे अनुज ने आपके घर के सबको इतना जॉब दिया है, ये सब कुछ किया और उसने सारे एहसान चुका गिरा देती है। और उसके बाद अनुपमा कहती है कि अगर नेक्स्ट टाइम तोशु ने ऐसा कुछ किया तो मैं उसको एक जोरदार और थप्पड़ मारूंगी, आप गलतियों पर पर्दा डालना बंद करिए। और बाघ को सुनाकर चल देती है। वहीं पर किंजल को समर और वनराज संभालते नजर आते हैं और तोशु की गलती के लिए माफी मांगते हैं और उसे जूस पिलाते हैं और अनुपमा ये सब कुछ देखकर काफी इमोशनल हो रही है। तो वही आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुज के लिए अनुपमा मिठाई लेकर जाती है और उसे खिलाती है और यहाँ पर एक औरत आती है जो कि उनको आशीर्वाद देते नजर आती है कि उनकी शादी जल्दी ही हो जाए। तो वहीं मालविका से ऑनलाइन मीटिंग में वनराज कहता है कि तुम तो यहाँ से चली गई और मैं कंपनी चलाऊँ तो कैसे चलाऊँ, और वो उसे अथॉरिटी लेने के साइन अथॉरिटी लेने के लिए कहता है, लेकिन मालविका साफ मना कर देती है और कहती है कि मालविका टीम इज ओवर और तुम छोड़ दो ये जॉब, ये सब कुछ छोड़ दो। जिसके बाद नया पर वनराज की बर्बादी शुरू हो चुकी है और अनुपमा देखने को मिलेगा। अनुपमा को देखकर वनराज काफी भड़कते नजर आता है। देखते हैं कि वनराज अपनी जॉब को बचा पाएगा या फिर हो चुका है पूरी तरह से बर्बाद। तो दूसरी तरफ अनुज को कॉन्ट्रैक्ट मिलने की वजह से एक नई शुरुआत होगी। अब देखना है कि वनराज किस तरह से इनका बदला लेता है।